हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास किचन। तो चलिए कुछ बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया खाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस क्रीमी पास्ता। तो देखते हैं। व्हाइट पास्ता बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा लीटर पानी गरम कर लिया है। अब मैं उसमें 2 कप पास्ता डाल रही हूँ। आधा टीस्पून सॉल्ट डालिए और 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल डालने से आपके पास्ता एकदम स्मूथी बनेंगे। अब पास्ता को हम उबलने देंगे। पास्ता उबलने में लगभग 13 से 14 मिनट लगते हैं। देखिए पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है। देखिए छुरी से इसे कट भी रहा है। अब हम इसको रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद आपको उस पर तुरंत ही ठंडा पानी डालना है ताकि वो चिपके ना। पास्ता बॉईल होने के बाद एक पैन में 1 टीस्पून तेल ले लीजिए। तेल गरम होने के बाद उसमें गाजर डालिए। मैंने 1 गाजर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट करके। हम पहले गाजर को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए गाजर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें एक छोटा प्याज मैंने बारीक कट किया था वो डाल रही हूँ। 1 शिमला मिर्ची मैंने बारीक काटी थी वो ले रही हूँ। आप चाहे तो रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, आपको जो भी वेजीज पसंद है वो ले सकते हो। अब सब्जियों को थोड़ा पकने देंगे। देखिए सब्जियाँ अच्छे से नरम हो गई है। आपको सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। 1/2 टीस्पून से कम डालनी है क्योंकि हम इसको वापस डालने वाले हैं। ऑर्गेनो पाउडर 1/2 टीस्पून और सॉल्ट। अब मैं ये सब्जियों को किसी बॉल में निकाल रही हूँ। देखिए सब्जियाँ मैंने एक बॉल में निकाल ली है फ्राई होने के बाद। फिर से कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल डालिए। तेल डालने के बाद चिली फ्लेक्स मैंने ले ली है 1/2 टीस्पून, ऑर्गेनो ले लिया है 1/2 टीस्पून और गार्लिक ले लिया है मैंने 5-6 कलियां, इसको काट लिया है मैंने। और इसमें 1 टीस्पून बटर डालिए। बटर में अच्छे से सब मिक्स हो जाए। ये सब अच्छे से फ्राई हो गया है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। मैदे को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें हम ठंडा दूध मिलाएंगे। 2 कप ठंडा दूध डालेंगे। फ्रिज का दूध चाहिए। ठंडा दूध लेने से इसमें लम्स नहीं होंगे और इसको अच्छे से मिला लें। देखिए इसमें लम्स नहीं बने हैं ठंडा दूध डालने से। अब इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और जो हमने सब्जियां फ्राई की है वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए व्हाइट सॉस की आपको ये कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत पतला और बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए। अब हम उसमें जो हमने बॉईल पास्ता की है उसको डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट पकाना है। और ये देखिए अच्छे से सब मिक्स हो गया। देखिए कितनी डिलीशियस सॉफ्ट क्रीमी बनी है पास्ता। अब हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर से चिली फ्लेक्स डालकर सर्व करें। अगर आपको मेरी ये क्रीमी पास्ता की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए ताकि जो भी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में शेयर करूँ आप उसे तुरंत देख पाओ।